आज हम चना मसाला बनाएंगे। चना मसाला बनाने के लिए ये हमने काबुली चना लिया है और उसे जो हमने है कुकर में से उबालना है। 10 से 15 मिनट इसे उबाल लेंगे। काबुली चना है ये, इसे पूरा पका लेंगे कुकर के अंदर 10 से 15 मिनट। उसके बाद हमने जो है इसे मसाला ऐड करेंगे। और ये हमारा काबुली चना है, इसे हमने 10 से 15 मिनट कुकर में उबाला था। ये देखें, उबाल लिया है हमने, उबाल के रखा था। 10 से 15 मिनट हम इसे उबाल लेंगे। काफ़ी टेस्टी है चना मसाला, जैसा मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा आपके अपने YouTube चैनल पे। ये देखें, ये इसके पीसेस हैं। काफ़ी टेस्टी है चना मसाला हमारा आज का। इसे हमने उबाल लेना है 10 से 15 मिनट। और ये हमारा कुकर है, हमने जैसा कि कुकर में चना मसाला बनाना है उबालेंगे उसे। और थोड़ा सा इसमें तेल ऐड करेंगे। बैटर रेसिपी आज की हमारी चना मसाला जो है इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आसान रेसिपी है, इंडियन स्टाइल में मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चना मसाला जो है एक चम्मच जीरा लेंगे और इसमें हमने जैसा कि एक प्याज काट के रखा था उसे भी ऐड कर लेना है। काफ़ी अच्छी रेसिपी है, मसालेदार है, बैटर है। थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे प्याज को। इसमें हमने टमाटर ऐड कर लेना है, जैसा कि हमने एक टमाटर लिया था और उसे काटा था, बारीक से पीसेस बनाए थे। और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च भी ऐड कर लेना है। इसे चला लेंगे। चना मसाला आज की हमारी रेसिपी। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के मुताबिक, थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे चला लेंगे। काफ़ी आसान सी रेसिपी है चना मसाला। और इसमें काबुली चना ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था चना थोड़ा सा कच्चा था हमने, जैसे कि और इसमें पका लेंगे और इसी के साथ हमारा चना पक जाएगा। और एक चम्मच हमने जो है हरी मिर्च लेना है पिसी हुई, वो भी ऐड करना है। जैसा कि हमने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डाला था, उसके बाद हमने थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्च इसमें ऐड करना है, ताकि हमारी जो रेसिपी है चटपटी बने, शानदार हो। हरी मिर्च भी है, लाल मिर्च भी हमने इसमें ऐड किया है। और एक चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। काफ़ी टेस्टी मज़ेदार रेसिपी आज की हमारी। और उसे चला लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे थोड़ा सा जो हमारा काबुली चना है इसे थोड़ा सा और उबाल लेंगे। इसे पका लेंगे। पका लेना काफ़ी आसान से रेसिपी है, छोटी सी है, चटपटी रेसिपी है। और इसे हमने पका लेना है और इसे हमने 10 मिनट जो पका लेने हैं। और जैसा कि हमने इसे 10 मिनट पका लिया था, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें नींबू जो है ऐड करना है। काफ़ी टेस्ट आता है खाने में, इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। काफ़ी चटपटी रेसिपी है, जैसे मैंने आज आपको बना के दिखाया आपके अपने YouTube चैनल पे। काफ़ी शानदार मज़ेदार फूड है, इंडियन रेसिपी थी ये चना मसाला। थैंक यू।